जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में जो बेल आइकॉन है उसे टच करो, क्योंकि प्रकाशित वाक्य की बाइबल स्टडी चल रही है और परमेश्वर ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। आज वचन है प्रकाशित वाक्य उसका 4वां अध्याय और उसका 1 से लेकर 3 वचन। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है और जो उस पर बैठा है वह यशव और माणिक सा दिखाई पड़ता है और उस सिंहासन के चारों ओर मरकस सा एक मेघ धनुष दिखाई देता है। देखो यूहन्ना जो प्रभु यीशु का चेले थे और उनको आत्मा में परमेश्वर ने वो बात दिखाई जैसे पहले वचन में हमने पढ़ा कि इसके बाद जो होने ही वाला है, जो अवश्य होना ही है। तो प्रकाशित वाक्य मतलब वो पुस्तक है कि उसमें वो बातें लिखी है जो इसके बाद होने ही वाली है। इसका मतलब हम उस बाइबल की स्टडी कर रहे हैं कि जिसमें जो बातें लिखी है वो होने ही वाली है। तो पूरे सीरियस रहो कि जो होने ही वाला है वो परमेश्वर दिखा रहे। फिर परमेश्वर जहाँ पर बैठे वो बात दिखाई दिए, लेकिन तीसरे वचन में लिखा है कि वहाँ पर मरकस सा एक मेघधनुष था। ये मेघधनुष कहाँ से आया और मेघधनुष क्यों आया? मेघधनुष जो है वो परमेश्वर की कृपा दर्शाता है। कैसे? जब परमेश्वर ने इस धरती के ऊपर पूरी दुष्टता देखी, लोगों का बुरा जीवन देखा, तो परमेश्वर ने चाहा कि मैं सभी का नाश कर दूँ और उन्होंने नूह भविष्यवक्ता को चुना और नूह को कहा कि नूह तू अपने लिए जहाज बना। नूह ने जहाज बनाया, अपने परिवार के साथ वो अंदर चले गए, सारे पशु पंछियों का एक एक जोड़ा लेकर गए। उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरी धरती जो है वो पानी में डूबकर मर गई। और उसके बाद जब नूह और उनका परिवार जब उस जहाज से बाहर आए तकरीबन 377 दिन के बाद, और जब वो बाहर आए तब परमेश्वर ने उनके साथ एक वाचा बांधी और परमेश्वर ने वाचा बांधते हुए उसका एक निशान बताया और निशान था मेघधनुष। ये पहली बार मेघधनुष दिखाई दिया और मेघधनुष दिखाकर परमेश्वर ने ऐसा कहा कि अब मैं कभी भी इंसानों को पानी से नहीं मारूंगा। मतलब ये एक परमेश्वर की ओर से कृपा हो गई कि अब परमेश्वर किसी भी इंसान को, पूरे सभी इंसान को, पूरी धरती को पानी से नाश नहीं करेंगे। तो ये एक अभय वचन हमें मिला। और जब कभी मेघधनुष दिखाई देता है बरसातों में, चाहे कितना भी बरसात हो, तो हमें एक बात पता चलती है कि परमेश्वर इस बरसात से पूरे इंसानों का नाश नहीं करने वाले। तो मेघधनुष मतलब वो परमेश्वर की कृपा है। तो परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।